सो यहाँ पे 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस। व्हाट इज़ ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस? तो ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस फ्रिक्वेंटली कॉम्प्लिकेशन पेशेंट विथ अंडरलाइंग एंड स्टेज रिनल और लिवर डिसीज़। तो ये क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिन लोगों में अंडरलाइंग रिनल डिसीज है, लिवर डिसीज है, उन लोगों में अपन को ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। इसके 3 फॉर्म होते हैं। सबसे पहला कौन सा फॉर्म है? एसियाटिक फॉर्म। दूसरा एंसेस्टेड लोकुलेटल फॉर्म वेट टाइप। एसियाटिक टाइप जो है ना उसको एसियाटिक, इसमें जो एसियाटिस होता है उसमें क्या होता है, फ्लूड एक्युमुलेशन। तो यहाँ पे वेट टाइप हो गया, एक ड्राई फॉर्म हो गया और एक एंसेस्टेड लोकुलेटल फॉर्म। तो 3 फॉर्म में पाई जाती है ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस। इसके ड्राई टाइप जो है इसमें एब्डोमन में डिस्टेंशन नहीं मिलेगा, जबकि जो वेट टाइप है इसमें एसियाटिस हो रहा है तो एब्डोमन डिस्टेंशन मिलेगा। सिम्टम क्या आएंगे? एब्डोमन में पेन होगा 60 से 70% केसेस में, और एब्डोमन में डिस्टेंशन मिलेगा। नॉन लोकलाइज एंड वेग्यू इन नेचर। एब्डोमन पेन ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम एंड मेसेंट्री। यहाँ पे टेंडरनेस मिलेगी। स्ट्रो कलर का एसियाटिक फ्लूड देखने को मिलेगा। WBC 500 से 1500 और MM/Q। और इसके बाद में प्रोटीन मोर देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। लो ग्लूकोज एंड लो सीरम एशियाटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट। जो सीरम एल्बुमिन एशियाटिक ग्रेडियंट है ना, ये इसमें लो मिल रहा है। एसआईटीएस में भी अपन चेक करते हैं सीरम एल्बुमिन, जो सीरम एशियाटिक एल्बुमिन जो है उसको अपन चेक करते हैं एसआईटीएस में भी। तो यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या रहे, लो SSAG। ठीक है, तो लो SSAG किस में मिलता है? 1.1 ग्राम पर लीटर, ये ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस में। और हाई SSAG कब मिलता है? सिरोसिस के केसेस में। तो सिरोसिस में अपन को हाई SSAG मिलता है, यानी कि सीरम एशियाटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट। अच्छा, एडिनोसिन DA- जो है, ADA में हाई मिलेगा। ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस में ADA हाई मिलता है और टी सेल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और आपके अलावा, इसके अलावा क्या मतलब, इसमें बेसिलाई भी मिलेगा। लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे अपन इसमें, तो इसमें थिकन हाइपरेमिक पेरिटोनियम विथ एशियाटिक एंड वाइटिस मिलियरी नोड्यूल्स। इसमें लेस देन 5 mm के मिलियरी नोड्यूल्स मिलेंगे वाइटिस कलर के, और थिक हाइपरेमिक पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में थिकनेस मिलेगी, हाइपरेमिया रहेगा। थिकन हाइपरेमिक पेरिटोनाइटिस विथ एशियाटिक एंड एडेशन। तो एडेशन वाला हो गया, एक नोडुलर हो गया और मार्क थिकनिंग वाला। तो इसमें लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं, इसमें 3 तरीके की फाइंडिंग्स मिलती है, मार्क थिकनिंग हो गई है ना, थिकनिंग हो गई हाइपरेमिया के साथ, तो नोड्यूल बन गए, एडेशंस हो गए, और चीजी मटेरियल मल्टीपल एडेशन के साथ। सो ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, ठीक है, तो ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस फ्रिक्वेंटली कॉम्प्लिकेशन पेशेंट विथ अंडरलाइंग एंड स्टेज रिनल डिसीज एंड लिवर डिसीज। एशियाटिक फॉर्म होता है जो कि वेट टाइप, ड्राई फॉर्म और एंसेस्टेड लोकुलेटेड फॉर्म। ड्राई टाइप जो है उसमें एब्डोमन डिस्टेंशन नहीं मिलने वाला, एब्डोमन में पेन होता है इसमें मेनली, एब्डोमन में डिस्टेंशन, ठीक है, टेंडरनेस, WBC काउंट 500 से 1500, स्ट्रो कलर का एसियाटिक फ्लूड, प्रोटीन मोर देन 2.5 ग्राम और लो ग्लूकोज, और SSAG इसमें लो रहेगा, और अगर हाई रहता है तो वो सिरोसिस है।